ये हम सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं? वेल, सोशल मीडिया एक ऐसा दलदल है जहाँ पर खबर और अफवाह दोनों ही एक जैसी दिखाई देती है। लेकिन आप लोगों को बता दें कि सोनम का भुला दूंगा को प्रमोट करना सिर्फ एक अफवाह है। सोनम कपूर ने ऐसी कोई भी टिकटॉक अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपलोड नहीं की है। कुछ लोग सोनम कपूर की वीडियो उनके पति के साथ अपने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर शेयर कर रहे हैं और उस वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है भुला दूंगा सॉन्ग। जी हाँ, सिडनाज का सॉन्ग। वेल, जब हमने ये पता लगाना चाहा कि क्या वाकई सोनम कपूर ने सिडनाज के सॉन्ग भुला दूंगा पर टिकटॉक वीडियो बनाई है, तो हम उस अकाउंट तक पहुंचे जहां पर सबसे पहले ये वीडियो अपलोड की गई थी। वो टिकटॉक अकाउंट जो सोनम कपूर के नाम से बनाया गया है, वो असल में सोनम का अकाउंट है ही नहीं। वो अकाउंट वेरीफाइड अकाउंट नहीं है। हो सकता है कि सोनम कपूर ने इस गाने को सुना हो, लेकिन ये बात तो पक्की है कि सोनम ने इस गाने पर कोई टिकटॉक वीडियो नहीं बनाई है। वेल, इस रिपोर्ट के अंत में हम इतना ही कहेंगे कि जो लोग ऐसी एडिटिंग्स के जरिए इस वीडियो को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा ना करें, क्योंकि ये वीडियो पहले ही सुपरहिट है। सिडनाज को किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की प्रमोशन की जरूरत नहीं है। सिडनाज ऑल ओवर वर्ल्ड खुद ही इतना पॉपुलर है। फाइनल कट, एंटरटेनमेंट डेस्क।